तो एक हंटेड जगह पे थोड़े लोग आ जाते हैं और उस पिग्गी को एक भूत दिख जाता है और पीछे से हीरो बताना आके उसको एक लात मार देता है और इधर एक बोर लगा देता है और 24 hours इन हॉन्टेड हाउस यही लिखा होता है। और वो पिग्गी आके गिर जाता है और वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, फिर नहीं खुलता तो वो आगे आगे बढ़ने लगता है, फिर आगे लाइट बंद चालू होनी ही लगती है तो उसको भूत दिख जाता है। तो वो उधर एक रूम में आ जाता है और एक जगह पे जाके छुप जाता है और आगे उसके साथ क्या हुआ आप ही देख लो। तो ये होने के बाद हीरो ब्रायन उसको एक पीछे ये करता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर जॉम्बी की बारी आ जाती है तो जॉम्बी अंदर जाने लगता है, फिर उसको एक कैमरा और एक फोटो दिखता है और उसने हर बार एक फोटो खींचने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तब उसके पीछे एक वो ही भूत आ जाता है और उसको बोलता है मेरी फोटो खींचो। तो जॉम्बी देखता है और खींचने लगता है और खींचते खींचते बहुत फोटो होने के बाद फाइनली वो भूत पीछे रखता है और जॉम्बी और फोटो खींचने ही होता है। तो भूत उसको चाकू दिखाता है और मार देता है। तो उसको चाकू मारने के बाद उसको कोई तो दिखता है, मतलब एक कपड़ा दिखता है तो वो उधर जाता है और आगे क्या हुआ यही हुआ था जॉम्बी के साथ। तो आगे बारी आती है स्केलेटन की जो कि हीरो ब्रायन बोलता है तुम जाओ अंदर। फिर स्केलेटन जाने लगता है तो उधर से स्केलेटन एक टॉर्च ले लेता है और अंदर भी जाता है और देखने लगता है। तो उसको एक केक दिखता है, वो उसको काटने वाला होता है तो पूरा केक ही ख़त्म हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है और स्केलेटन को मार देता है। और आगे क्या हुआ वो तो हम पार्ट 2 में देखेंगे।